कानपुर पुलिस ने मंगलवार को अलग अलग जगह आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए 43.30 लाख रुपए अलग अलग वाहनों से बरामद किया है। शहर के 36 पॉइंट पर स्टैटिक बैरियर पर चेकिंग शुरू की गई। जिले की सीमा पर भी बैरियर लगाकर चेकिंग की गई। साउथ, वेस्ट और ईस्ट जोन के थाना क्षेत्रों में बनाए गए स्टैटिक बैरियर पर 43,30,000 रुपए बरामद हुए। देर रात तक पूरे जिले की सीमाओं पर चेकिंग होती दिखाई दी। साउथ जोन में यशोदानगर जुगैया मोड़ के पास बैरियर लगाकर टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को एक कार दिखाई दी। गाड़ी की चेकिंग करने पर इसमें 18 लाख रुपए मिले। कार सवार रायबरेली लालगंज निवासी अनिल कुमार, राजेश कुमार गुप्ता और आयुष गुप्ता रकम से संबंधित कागज नहीं दिखा पाए। वहीं दूसरा बैरियर बर्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज कर रही रोड पर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कार रोकने पर बर्रा निवासी गौरव सचान के पास से 8,50,000 रुपए मिले। वह भी रुपयों से संबंधित कागज नहीं दिखा सका। वहीं गुजैनी के बसंत पेट्रोल पंप के पास से रामा देवी निवासी ड्राइवर प्रणय नायक के पास से 80,000 रुपए मिले। ईस्ट जोन के मूलगंज पुलिस ने 4.5 लाख रुपए चेकिंग में मिले, जबकि वेस्ट जोन रावतपुर में 11 लाख रुपए और दूसरे बैरियर पर 1,50,000 रुपए चेकिंग में मिले।